को बताने वाले कैसे आप अपना ओप्पो रेनो 12 प्रो 5G में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को कैसे इनेबल कर सकते हैं। अगर आपको भी ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल करनी है तो इस वीडियो को फुल देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली कैसे आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और ले चलता हूँ फोन। ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल करना तो सिंपली कॉबल एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपको शो होने लगा तो सिंपली थ्री डॉट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब थ्री डॉट पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे आपको सेकंड में आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली सेटिंग्स पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे सेटिंग्स का जैसे ही ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा तो सिंपली स्क्रॉल के नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया कॉल रिकॉर्डिंग, तो कॉल रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रिकॉर्ड अननोन नंबर का एक ऑप्शन आपको शो हो रहा है, देख पा रहा हूँ, तो सिंपली इसे इनेबल कर दीजिएगा और ऑलवेज रिकॉर्ड दीजिएगा। तो जितना भी आपका अननोन नंबर से इनकमिंग कॉल आती है, आउटगोइंग जाती है, सारा का सारा आपका कॉल है वो रिकॉर्ड होगा और यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आपका नंबर सेव है उसे आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे चूज कॉन्टैक्ट पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से अपना जो कॉन्टैक्ट है वो चूज कर लीजिएगा और यहाँ से चूज करने के बाद उस नंबर को पर्सनली आप जैसे कि यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिए तो ये नंबर ऑटोमेटिकली आपका रिकॉर्ड होगा। तो आप सेट करना चाहते हो तो सेट भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नहीं भी कर सकते। तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर सकते हैं अपने ओप्पो रेनो 12 प्रो 5G में। अच्छी लगी वीडियोज़ तो वीडियोज़ को लाइक करके प्यारा से कमेंट जरूर कर दीजिएगा।